हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पे, इंडिया के नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं आपका मैथ्स गुरु यानी कि प्रबल लवानिया सर एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ आज के धमाकेदार सेशन के साथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन की शानदार ट्रिक। तो बिल्कुल मिक्सचर एलिगेशन की बहुत बेहतरीन मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। एक ऐसा क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में रिपीट होता है और हम हर बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। हर बार छोटे से मतलब क्वेश्चन अच्छा है बट क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आज वो कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एसएससी की जो हमारी अन अकेडमी पे क्लास लगती है वो है 9 AM प्लस। ये जो एसएससी की क्लास है, अब इसकी जगह मैं लेके आया हूँ आपके लिए एनटीपीसी का फुल बैच, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। 9 बजे आपका ये बैच लगता है अन अकेडमी पे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे को सर्च करना है अन अकेडमी पे प्रबल लवानिया नाम से, ठीक है? ये लिखा हुआ है, इस नाम से आपको मेरे को सर्च करना है अन अकेडमी पे, ठीक है? तुरंत फॉलो कर लीजिए मेरे को अभी जाकर, जैसे 9 बजे की एनटीपीसी क्लास आप लोग अटेंड कर पाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्सड विद मिल्क? वाटर को मिल्क के साथ किस रेशियो में मिक्स करा जाए जिससे 16:2:3% का प्रॉफिट हो जाए अगर उस पूरे मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर बेचा जाए तब भी। मतलब पूरे मिक्सचर को जब आप अपने खरीदी मूल्य पर बेच रहे हो उसके बाद भी 16:2:3% का प्रॉफिट अगर आपको लेना है तो कितने रेशो में वाटर और मिल्क को मिक्स करना है? 16:2:3% आपको पता है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/6। तो एक बात का जवाब सोचना, क्वेश्चन आपको तुरंत बता दूंगा आंसर क्या आएगा, बस इससे ये आंसर आ जाएगा यहीं से। एक बात बताओ, दूध में पानी मिलाते हो या पानी में दूध मिलाते हो? आप बोलोगे सर पानी में दूध मिलाएंगे, यही करते हो ना? नहीं करते ना, दूध में पानी मिलाते हो, है ना? तो वही, दूध में अगर पानी मिलाते हो इसका मतलब क्या हुआ? दूध की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, पानी की क्वांटिटी कम होती है। भाई मतलब ये हो गया आपका वाटर और ये हो गया आपका मिल्क। बस जो ज़्यादा वाला है वो आपका मिल्क बनेगा, जो कम वाला है वो हमेशा वाटर बनेगा। आपको क्वेश्चन में वाटर पहले लिखा हुआ है मतलब 1 पहले आएगा, मिल्क बाद में लिखा हुआ है 6 बाद में आएगा, तो 1:6 का आपका क्वेश्चन का आंसर। जिसका नाम पहले लिखा हुआ है वो पहले, जिसका नाम बाद में लिखा हुआ है वो बाद में, ठीक है? सेम यहाँ पे देख रहा है, पानी पहले लिखा है दूध बाद में लिखा है, मतलब 1:6। एक और क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट रेशियो वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विद मिल्क? वाटर को मिल्क के साथ किस रेशियो मिला जाए जिससे 20% का प्रॉफिट हो जाए मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर बेचने पर? 20% को फ्रैक्शनल वैल्यू में आप लिखते हो 1/5। अब मैंने अभी बताया था कि दूध में पानी मिलाया जाता है, दूध की क्वांटिटी ज़्यादा है मतलब ज़्यादा वाला मिल्क है, कम वाला आपका वाटर है, ठीक है? तो आपको वाटर पहले लिखा हुआ है मतलब 1 और फिर मिल्क लिखा हुआ है 1:5, मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 1:5, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। कन्फ्यूज़ नहीं होना कि 1:5 है या 5:1। जिसका नाम पहले लिखा है वो पहले आएगा, जिसका नाम बाद में वो बाद में आएगा, और कम वाला हमेशा वाटर होगा और ज़्यादा वाला हमेशा मिल्क होगा, ठीक है? एक और इसमें टाइप का क्वेश्चन है जो पहले आया हुआ है। अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोफेसेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। बोलता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूँ लेकिन वो वाटर मिक्स कर देता है जिसकी वजह से उसको 25% का प्रॉफिट होता है। परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, वाटर का परसेंटेज बताना है। 25% के प्रॉफिट का मतलब क्या है? 25% 1/4 होता है, 1 आपका वाटर है, 4 आपका मिल्क है, ठीक है ना? 4 यूनिट मिल्क है, 1 यूनिट आपका पानी है, ये दिख रहा है आपको। आपको बताना है वाटर कितना है, तो वाटर भाई 1 यूनिट है, कितने में से? 4 और 1 5 में से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 20% आपका क्या हो जाएगा? वाटर। क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा था वाटर का, तो 20% वाटर का परसेंट हो गया, तुरंत क्वेश्चन का आंसर। और लिटरली बता रहा हूँ, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। इवन 2019 के जो CGL का पेपर हुआ है, हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। याद रखेंगे, जो रेशो में कन्वर्ट करोगे तो रेशो में कन्वर्ट करने के बाद जो कम वाला है वो वाटर है, जो ज़्यादा वाला है वो मिल्क है। और रेशो देख लेना कि रेशो किसके साथ कौन सा चल रहा है, रेशो मिल्क और वाटर का है या वाटर और मिल्क का है, अगर रेशो पूछा है तो, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग ही उसको अरेंज करना, वरना क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है? अन अकेडमी पे आप मेरे को फॉलो कर लीजिए प्रबल लवानिया नाम से। अभी तुरंत ऐप पर जाइए, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर, और तुरंत मेरे को फॉलो कर लीजिए, ठीक है भाई? ये मेरे यूट्यूब का शेड्यूल है, आप देख पा रहे होंगे कि 12 बजे मेरी वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे क्लास है, 3 बजे मैं ज्योमेट्री आज स्टार्ट करने वाला हूँ अन अकेडमी पे। तो इसको ज्वाइन करिए तुरंत अन अकेडमी पे, 3 बजे ज्योमेट्री पढ़ने को आपको मिलने वाली है, तो इसको ज्वाइन करिए। और 7:30 से 8:30 मतलब अभी जो आधे घंटे का सेशन था वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, अब 7:30 से 8:30 1 घंटे का सेशन हो गया वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर ऑल SSC एग्जाम का,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाउंडेशन बैच इस वीक आपका आने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, अनएकेडमी की लर्निंग ऐप को ओपन करना है और 12 मंथ आपको गोल सेलेक्ट करना है, 12 मंथ चूज करना है। और प्रबल सर कोड अप्लाई करने के बाद, प्रबल सर कोड जैसे ही आप अप्लाई करोगे तुरंत आप क्रेडिट्स भी अप्लाई कर सकते हो, और क्रेडिट अप्लाई करके अप्रोक्सीमेट 4800 आपकी कॉस्टिंग हो जाएगी। तो आज ही इस बैच को ज्वाइन करिए और मेरे साथ एडवांस और अर्थमेटिक पढ़िए शानदार तरीके से। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि और कौन सी ट्रिक आपको चाहिए। ठीक है, थैंक यू यार।